नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के बारे में। काफी सारे लोग बिहार बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं, और इससे पहले ये चीज समझिए, बिहार बेरोजगारी भत्ता है क्या, कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, कैसे इसके लिए फॉर्म फिलअप करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरे लाइव ये सारी बातों को हम जानेंगे। फिर जानेंगे कैसे आवेदन करना है, किस तरीके से ऑनलाइन करना है, लाइव एक फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे ताकि आपको आवेदन करने में किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का वीडियो आगे भी देखने के लिए। सबसे पहले आइए समझते हैं कि बिहार बेरोजगारी भत्ता है क्या, इसके अंतर्गत कितने पैसे आपको मिलते हैं। देखिए, बिहार बेरोजगारी भत्ता जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा चलाई गई एक योजना है, जो कि सात निश्चय योजना के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत जो है वैसे छात्रों को चिन्हित की जाती है जो कि 12वीं पास कर चुके हैं, आगे की पढ़ाई अगर मान लीजिए आप जारी नहीं किए हैं, अगर 12th के बाद आप किसी भी प्रकार की फॉर्म भरते हैं उसमें आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे सरकार आपको 1000 रुपये प्रति मंथ आपको प्रोवाइड करती है लगातार 5 वर्षों के लिए। यानी 5 वर्ष तक आपको 1000 रुपये इसके अंतर्गत दिए जाएंगे। इसके लिए डॉक्यूमेंट जो है 10th 12th का मार्कशीट, 10th का आपका जो है एडमिट कार्ड होनी चाहिए, 12th का एडमिट कार्ड होनी चाहिए, 12th का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए, जाति आवासीय आय होनी चाहिए, ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन दे पाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि इसके अंतर्गत जो आवेदन आप करेंगे तो एज क्या रखी गई है। एज मिनिमम 20 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 वर्ष होनी चाहिए, इस बीच में अगर आप है तो आप इसके लिए आवेदन दे पाएंगे। अब चलिए दिखाते हैं कैसे आपको आवेदन करनी है ताकि आपको आवेदन करने में किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। सबसे पहले आपको आना होगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट, सात निश्चय योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्ट वहां से आ सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे, आवेदन करने के 60 दिनों के अंदर आपको DRC से जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी होती है। आइए समझते हैं कैसे इसके लिए आवेदन करना है। सबसे पहले देखिए, इसके अंतर्गत 3 कोर्स के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। पहला है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इसको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता के लिए, यानी बिहार बेरोजगारी भत्ता के लिए हम अभी बताएंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। जो छात्र कंप्यूटर सीखना चाहते हैं यानी KYP कोर्स करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, देखिए तो अभी फिलहाल आपको करना है यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता के लिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मुख्यमंत्री सात निश्चय के लिए, तो उससे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ फॉर्म खुलेगा, फॉर्म में बेसिक सा डिटेल भरनी है, जैसे जो भी डिटेल भरेंगे आप अपने मार्कशीट के अनुसार ही भरेंगे। जैसे जिनका भी नाम है, इनका जो भी नाम होगा क्या करेंगे, यहाँ पे आपको उनका नाम लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, मिडिल नेम जो भी होगा देंगे, लास्ट नेम जो भी होगा यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लास्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद अप्लीकेंट का जो भी ईमेल ID होगा, ईमेल ID यहाँ पे देंगे, क्योंकि ईमेल ID पे ही आपका रिसीविंग भेजा जाएगा। साथ ही आधार नंबर प्रोवाइड करनी है, साथ ही जो नंबर आप देंगे नंबर यहाँ पे डालेंगे, वो नंबर पे यहाँ पे सेंड OTP करेंगे, नंबर पे OTP जाएगा, OTP आपको डालनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये फॉर्म आप जो है वसुधा केंद्र से भर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप पेश करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नोई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उस पर एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP यहाँ पे डालेंगे। साथ ही जो ईमेल ID आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर एक OTP जाएगा, OTP यहाँ पे आपको डालनी है। OTP जब आप ईमेल ID चेक करेंगे, इस प्रकार एक OTP आपके ईमेल ID पे भी भेज दिया जाता है। क्या करेंगे, इस OTP को यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, और मोबाइल नंबर पे भी आप चेक करेंगे, मोबाइल नंबर पे भी OTP गया होगा, वो यहाँ पे डालेंगे, ईमेल वाला OTP यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपसे देखिए कोर्स पूछा जा रहा है कि किस कोर्स के लिए अभी आपको आवेदन करना है, तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है। पहला है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम का, दूसरा है बिहार बेरोजगारी भत्ता यानी स्वयं सहायता भत्ता के लिए, उसके बाद KYP के लिए। अभी फिलहाल बेरोजगारी भत्ता के लिए करना है तो आपको 2 नंबर का जो आता है बीच वाला उस पर क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट वाले पे आपको क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला जाता है कि सारा डिटेल सही है, तो यहाँ पे ओके वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही ओके वाले पे आप क्लिक करते हैं थोड़ा सा आपको वेट करना है, उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल हो जाता है। इसका जो user ID और पासवर्ड है आपके email ID और मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है गो टू होम पेज, इस पर क्लिक करेंगे, अपना email ID यहाँ पे डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे कैप्चा आपको दिख रहा होगा, ये कैप्चा जो है
आपको इस वाले बॉक्स में डालनी है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे लॉगिन का, आप लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। जब आप अपना ईमेल आईडी चेक करेंगे, इस प्रकार यूजर आईडी आपका ईमेल आईडी हो जाता है। फिलहाल टेम्पररी एक पासवर्ड भेजा जाता है, ये पासवर्ड डालकर यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपको पासवर्ड चेंज करनी होगी। पासवर्ड चेंज करने से पहले आपको जो भी ओल्ड पासवर्ड है यहाँ पे डालनी है, साथ ही जो भी न्यू पासवर्ड आप बनाएंगे वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है, फिर वही पासवर्ड यहाँ पे आपको री एंटर कर देना है, फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें, पासवर्ड जब भी बनाए आप कुछ इस तरीके से बनाए, जैसे एक लेटर जो है बड़ा दे दे, एक छोटा दे दे, एक अक्षर दे दे, उसके बाद एक सिंबल दे दे, जैसे स्टार, हच, @, ये सब सिंबल होता है। इस प्रकार देने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बता दिया गया कि आपका जो पासवर्ड है सक्सेसफुल रिसेट हो गया। यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलता है, क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पे आईडी पासवर्ड जो नया बनाया है वो डालेंगे, कैप्चा डालकर लॉगिन वाले पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे देखिए मैट्रिकुलेशन का डिटेल पूछा जा रहा है, यानी अपने जो मैट्रिक है किस बोर्ड से पास किया है। ये जो लाभ है, आप बिहार के निवासी है, अगर CBSE बोर्ड के भी है, ICSE बोर्ड के भी है या अन्य बोर्ड के भी है, फिर भी आप इसका लाभ ले सकते हैं, कहीं से दिक्कत नहीं कि बिहार बोर्ड वाले कैंडिडेट ही लेंगे। यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, साथ ही जो भी मैट्रिक का रोल नंबर होगा यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे रोल कोड पूछी जा रही है, जो भी मार्कशीट पे होगा यहाँ पे रोल कोड डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो भी रिलीजन है, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप जो भी पढ़ाई किए हैं यहाँ पे रेगुलर से किए या सुपरमेंट्री से किए, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें जो कैंडिडेट एक बार में पास किए तो रेगुलर ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है कि आपने जो टेंथ है किस साल पास किए, यहाँ पे आपको पासिंग ईयर आपको बतानी पड़ती है, तो ये चीज आप अपने अनुसार देख लेंगे। उसके बाद जो भी स्कूल आपका था, जो कि टेंथ का था, पासिंग जो भी आपने किया है तो किस स्कूल से किया, तो स्कूल का नाम डाल देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने 12th पास कर चुका है, तो उस स्थिति में आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस भी बोर्ड से आपने 12th पास किए हैं वो बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। फिर भी आपको यहाँ पे रोल नंबर आपको देनी होगी, 12th का भी और 10th का भी, यहाँ पे रोल नंबर रोल कोड डालेंगे। जो भी पासिंग ईयर आपका होगा अपने अनुसार यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी स्कूल से आपने 12th पास किए स्कूल का नाम देंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी, क्योंकि आपका अपना फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम है तो मिडिल, नहीं तो लास्ट नेम यहाँ पे डाल देनी है। पिताजी का जो भी नाम होगा यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल डालेंगे और लास्ट नेम यहाँ पे डालेंगे। सेम उसी प्रकार मदर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी शो अप करेगा। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। कैलेंडर खुलेगा, यहाँ पे जो भी डेट होगा सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, यहाँ से ईयर अपना देख लेंगे कि कौन सा ईयर है आपका, ईयर सेलेक्ट करेंगे। फिर जो सा भी मंथ होगा मंथ सेलेक्ट करेंगे, जो सा भी डेट होगा डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। हमेशा ध्यान रखें इसके लिए जो एज है मिनिमम 20 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। उसके बाद अपना जो भी जेंडर है जेंडर बताएंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आप सिंगल है या मैरिड है, ये चीज आपको बतानी होती है। उसके बाद मोबाइल नंबर आधार नंबर स्वैप करेगा, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, कैटेगरी आपको बतानी है कि किस कैटेगरी से आप आते हैं, ओबीसी, ईबीसी, जनरल, एससी, एसटी, सारे कास्ट के लिए ये चीज लागू होता है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। आईएफएससी कोड डालेंगे, जिस भी ब्रांच का आपका खाता होगा, बैंक का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ब्रांच का नाम बताएंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पे बताएंगे, साथ ही यहाँ पे आपको एड्रेस बतानी है। एड्रेस में दो ऑप्शन है आपके सामने, अगर मान लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र से आते तो उस स्थिति में यहाँ पे रूरल पे सिलेक्ट करेंगे, अगर शहरी क्षेत्र है आपका तो यहाँ पे अर्बन वाले पे सिलेक्ट करना है, तो ये चीज आप अपने अनुसार देखेंगे। उसके बाद स्टेट आपका सिलेक्ट रहेगा, उसके बाद यहाँ पे जिला आपको सिलेक्ट करनी है, उसके बाद जो सा भी आपका ब्लॉक होगा यहाँ से क्या करेंगे अपना ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे, जो सा भी आपका पंचायत होगा यहाँ पे पंचायत का लिस्टिंग है, पंचायत अपना सिलेक्ट करेंगे, जो सा भी विलेज होगा विलेज का नाम डालेंगे, पोस्ट ऑफिस डालेंगे, पिन कोड आपको यहाँ पे डालनी है। अगर मान लीजिए किसी का रेसिडेंट परमानेंट और रेसिडेंटल एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये दोनों फिलअप हो जाएगा, अगर अलग है तो आपको फिलअप करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है देखिए प्रीव्यू का, अब क्या करेंगे यहाँ पे प्रीव्यू वाले पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू देख लेंगे। तो प्रीव्यू से पहले आपको क्या करनी होगी, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेव एज ड्राफ्ट, आपको इस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ही प्रीव्यू का सेक्शन आपको जो है हाईलाइट होगा, फिर आपको प्रीव्यू वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे सारी डिटेल आपको अच्छे से मिलान कर लेना, सारा डिटेल सही होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे क्लोज वाले पे आप क्लिक करेंगे, ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का,
अब सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जो इंटरफेस है यहाँ पे देखिए कुशल युवा प्रोग्राम यानी KYP का, अगर मान लीजिए भविष्य में आपको कभी मौका मिलता है करने के लिए तो यहाँ पे मिनिमम प्रेफरेंस आपको 3 है, लेकिन इसमें से आपको एक जरूर सिलेक्ट करनी है कि अगर मानिए आपको KYP करने के लिए बोला जाएगा तो किस जिले के KYP सेंटर से करेंगे, तो यहाँ से अपना जिला सिलेक्ट करेंगे। साथ ही यहाँ से क्या करेंगे, अपना ब्लॉक बता देंगे जहाँ से आप करना चाहते हैं। फिर सेकेंड भी अगर चाहे आप देना तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका जिला होगा जिला सेलेक्ट करेंगे। फिर आप जहाँ का ब्लॉक से भी करना चाहते हैं इस प्रकार चयन कर लेंगे। 3 है, आप चाहे तो 1 भी दे सकते हैं, चाहे तो 2 भी दे सकते हैं, चाहे तो 3 भी आप दे सकते हैं, कहीं से आपको दिक्कत नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, चलिए बताते हैं। उसके बाद नीचे में ऑप्शन आएगा, ये सारी गाइडलाइन को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है, फिर एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। फिर से आपको यहाँ पे बोला जाता है कि सारा डिटेल अगर सही है तो ओके वाले पे क्लिक करें। ओके वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बोला जाता है कि थोड़ा सा वेट करें। वेट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल हो चुका है। आपका रजिस्ट्रेशन ID जो है यही है, यही आपका मेन ID हो जाता है, ये नंबर आपको संभाल के रखनी है। साथ ही इसका जो PDF है कैसे डाउनलोड करनी है चलिए बताते हैं। ये जो PDF है आपका ये ईमेल ID पे भेजा गया एनरोलमेंट नंबर, इसको आपको संभाल के रखना है डाउनलोड करने के लिए। चलिए दिखाते हैं कैसे डाउनलोड करेंगे। सर्वप्रथम जो भी ईमेल ID आप दिए होंगे उस ईमेल ID को ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो यहाँ पे बताया गया कि आपका कैंडिडेट का जो है ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आपको क्या करना होगा ये समझिए, 60 दिनों के अंदर में ये जो DRCC ऑफिस दिखाया जाता है इसका एड्रेस यहाँ पे बताया गया कि ITI कैंपस शांति नगर सीतामढ़ी जो कि पोस्ट डुमरा में पड़ता है, आपको जाना होगा। इनका पिन कोड यहाँ पे बताई गई है। इसका जो टाइमिंग है 10 बजे से 5 बजे तक आपको जाकर अपना जो भी डॉक्यूमेंट है इसको लेकर वेरिफिकेशन करवाने जाना होगा आपको। PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन जो था इस पर आपको क्लिक करना है। ये जो PDF है आप जो भी ईमेल ID आप दिए होंगे ईमेल ID को एक बार क्या करेंगे यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। इस प्रकार आपके ईमेल ID पर वो PDF भेज दिया गया होगा, इस पर क्लिक करेंगे ये PDF आपके सामने खुल के आएगा। इस PDF में क्या करेंगे आप समझ लीजिए, सबसे पहले आपको एक फोटो जो है चिपकानी होगी। इस पर आपको फोटो चिपका कर यहाँ पे कुछ बेसिक सा डिटेल है जो कि आपको भरनी होगी, जैसे आपका जो भी श्रेणी होगा ये सारा भरा रहेगा। जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो भी डिटेल आपने दिया था सारा डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा, आपको कुछ करना नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको अपना साइन, देखिए यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, जिस डेट को आप जा रहे हैं जो भी आपका DRCC है यहाँ पे वो स्थान लिखेंगे, वो डेट आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करनी है। यहाँ पे देखिए यही जो रिसीविंग है प्राप्ति रिसीविंग है जो कि आपको DRCC ऑफिस जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो यहाँ पे यहाँ से आपको प्राप्ति रसीद आपको दे दिए जाते हैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आप जाएंगे। तो जब इस रिसीविंग पे देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज मेंशन की गई कि ऑनलाइन करने के बाद आपको यहाँ पे बताइए कि 30 दिनों के अंदर में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आना होगा, नहीं तो आपका ये जो ऑनलाइन किए थे ये रिजेक्ट कर दिया जाता, फिर से आपको दोबारा ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसलिए आवेदन करने के पश्चात आपको DRCC जो भी परामर्श केंद्र होगा उसका एड्रेस आपको मेल पे भेज दिया जाता है, उसमें जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। 10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, 12th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, 12th का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जाति आवासीय आय और फोटो होनी चाहिए, और ये जो प्रिंट आउट है ये होनी चाहिए, आप जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। इसके अलावा भी कोई डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम ID पर भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।